हार का बहुत ज्यादा दुख हुआ था और आई होप कि हम लोग जो नेक्स्ट मैच है वो जरूर जीते। पहला मैच हुआ है, इसको दिल पे नहीं लेना किसी ने, कोहली की सारी बैंड बजा देनी है पाकिस्तान ने। वैसे भी हार जीत तो हर गेम में होती है नो मैटर व्हाट। शहीन आ रहे हैं, कश्मीर भी लेंगे इंशाल्लाह और मैच भी लेंगे जी। क्या ये इंडिया का एशिया कप है? हाँ भाई हाँ, ऐसा लगता है। ये संडे इंडिया वाले हो जाएंगे ठंडे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज जिस तरह हमने जीत का आगाज किया एशिया कप के अंदर, किसी टीम ने अभी तक इतनी जुर्रत का मुजहरा नहीं किया जिस तरह पाकिस्तान ने आज जीत का नाम लिखी है। और पाकिस्तान इंडिया का मैच जो संडे को रहा है, क्या कहोगी? वैसे इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा पर गुड लक टू इंडिया टू। ये पाकिस्तान के शाहीन है, बच के रहो, टक्कर नहीं लेना। जरा तेल शेल लगा के आए, पाकिस्तान के शाहीन जीतेंगे, बदला लेंगे। हमारी टीम को जरूरत ही नहीं ट्रेनिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम लोग आसमान से उतरे हैं, बेहतरीन खिलाड़ी है, क्या करेंगे ट्रेनिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? एजाज वसीम बाकरी, हमें क्या जरूरत है? और अच्छी तरह मैच जीतेगा जो बदला लेना है ना, एक बदले की आग हमारे अंदर आई हुई है, हिसाब पूरा करना है, वो हिसाब पूरा करके रहेंगे। लकी शॉट ये वाली इंशाल्लाह पूरे काम आएगी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। एक बार फिर से ये दुनिया महा मुकाबले के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी हांगकांग को हरा दिया और इंडिया ने भी हांगकांग को हरा दिया। अब इस ग्रुप की दो टॉप टीमों के बीच में मैच होगा, वो है भारत और पाकिस्तान, और ये मैच होने वाला संडे को। लेकिन पाकिस्तानियों का वही बड़बोलापन, पूरी दुनिया कह रही है कि खब्बों पे फंसता है इंडिया का टॉप ऑर्डर, लेफ्ट हैंडर्स पे फंस जाते हैं, औकात में रहो। तो ये पूरी दुनिया को पता है, हमें नहीं पता ये, या फिर हमें पता है और हम शाहीन शाह अफरीदी जैसा कोई तैयार नहीं कर सके, फिर ये भी तो लैकिंग है ना हमारी, और नहीं तो क्या। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का बड़बोलापन, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछली बार भी इन्होंने मैच से पहले बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन मैच खत्म होने तक सब टाइम फिस हो गया। यस यू आर राइट। और एक बार फिर ये पाकिस्तानी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शौकियां झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया तो कुछ नहीं है, हम हरा देंगे, मसल देंगे, फसल देंगे, इसे नहीं चलेगा। अरे बाबा, तो भैया मैं इंडिया वाला हूँ, मैं बोल रहा हूँ हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कल पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले अरे कहना क्या चाहते हो, लेकिन इससे पहले इन पाकिस्तानियों के बड़बोलेपन का थोड़ा सा आनंद लिया जाए, तो चलते पाकिस्तान, लेट्स गो। लेकिन इसमें जो बहुत बड़ी खबर है ना, वो ये है कि इस मैच जीतने के बाद जो हमारा बदला है ना, वो पूरा होने के चांसेस हो गए हैं कि हमारा अगला मैच इंडिया से होने वाला है। तो क्या कहेंगे आज की जीत पे और इंडिया के मैच पे आने वाले? माशाल्लाह आज बहुत अच्छा खेले हैं सारे प्लेयर्स हमारे, इंशाल्लाह अगर इसी तरह ये खेलते रहे तो हम इंशाल्लाह इंडिया को भी अगले मैच में शिकस्त देंगे और बहुत बहुत अच्छी शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। ये दुनिया बौखला गई है। एशिया कप में हमारा बाकी टीमों के साथ इतना चैलेंज नहीं है, इंडिया के साथ हमारा मतलब खुला चैलेंज है और इंशाल्लाह हम ये मैच जीतेंगे और बदला लेंगे पिछले मैच का। बदला हमने लेना है और इंशाल्लाह अच्छा करके बदला लेंगे। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आप क्या कहेंगे कि जो हांगकांग से जीते हैं वो हांगकांग से जीतने की खुशी है या आगे इंडिया से भिड़ने की खुशी है? वो इंडिया से भिड़ने की खुशी है क्योंकि हांगकांग से कोई खुशी नहीं जीती। हांगकांग तो एक छोटी सी टीम है जिसके साथ उन्होंने मैच प्रैक्टिस की है, लेकिन मेरे लिहाज से जो पहला मैच हम मारे ना वो खुद हमारी गलती है जिसकी वजह से हम मारे हैं, जिसमें जो बैटिंग लाइन में जो इन्होंने शदाब की जगह पे सॉरी आसिफ की जगह पे शदाब को ला के खिलाया, जिसने 5 ओवर में कोई ऐसा मतलब प्रोग्रेस नहीं दिखाई, 5 ओवर उसने खेले कोई इतना रन नहीं आगे बढ़ाया। नेक्स्ट मैच में पाकिस्तान इंडिया को कैसे हरा सकता है, किन चीज़ों पर फोकस कर सकता है? 4 सितंबर बिल्कुल एक आध दिन रह गया है, मतलब कि दूसरा दफा टकरा अगर जीते हैं तो फिर तीसरी दफा फाइनल में भी कोई ऐसा मौका है जिसमें पाकिस्तान इंडिया के 3-3 मैच हों? लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था ना, ये अगर इनसे डर के खेलेंगे, इनके प्रेशर में आके खेलेंगे तो फिर ये इनके लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूँ ये अगर चढ़ाई के साथ खेलें, कॉन्फिडेंस के साथ खेलें तो ये इनके साथ इनके
एकदम से हरा सकते। पाकिस्तानी टीम इंडिया का फेंटा लगाएगी कि इंडिया पाकिस्तान का दोबारा फेंटा लगाएगी? पाकिस्तान इंशाल्लाह फेंटा लगाएगी। हमारे यहाँ पे एक बहुत मशहूर धारावाहिक था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपनों में खोने पर कोई रोकथाम नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो इन पाकिस्तानियों का भी वही हाल है, वही मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने लिए जा रहे हैं। ले लो सपने लेने की पूरी आज़ादी है, क्योंकि बाबर आजम को चाहिए कि इस बार प्रोग्रेस दिखाए, क्योंकि बाबर आजम पे सभी की उम्मीदें हैं। और दूसरी बात यह है कि जो क्या कहते हैं इसका नाम है टीम जो चल रही है ना, इसी स्टेज पे चलाएं ना, कि कोई चेंजिंग करें, ठीक है ना? ठीक है जीत, लेकिन पाकिस्तान ने मेहनत करके हारा है, ये पाकिस्तान पे फाइटिंग मैच चीज आपको अच्छी लगी? हाँ, मैच एंड तक जो है ना देखने वाला था। चैंपियन ट्रॉफी में दो दफा पाकिस्तान, एक पहले हारा फिर चैंपियन ट्रॉफी जीता, इस दफा तीन तीन मैच हो सकते हैं एक ही पैकेज में, तीन तीन मैच, कभी ऐसा सुना है आपने? इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब भी होता है हर बंदा देखने वाला होता है, हर बंदे का दिल होता है कि सारे काम छोड़ के हम आके मैच देखें बैठ के, तो इंशाल्लाह क्रूशियल होंगे, तीनों मैच क्रूशियल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब चार को है, क्या तैयारी है आपकी, पहले के मैच की तरह है, एक्साइटेड ज्यादा है या भी डगमग है? एक्साइटेड ज्यादा है। कहाँ देखते हैं मैच? टीवी पे जी। अगर हारा तो तोड़ देंगे? हम इंडियन थोड़ी हैं। ओ, देख सकते हैं कि जैसे आप कह रहे थे कि पाकिस्तानी टीवी तोड़ते हैं, यहाँ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंडियन टीवी तोड़ते हैं, तो अब ये डिसाइड कौन करेगा? ये तो वीडियोस डिसाइड करेंगी कि कौन सा मुल्क ज़्यादा टीवी तोड़ता है। पाकिस्तानी तो झूठ बोलने में माहिर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं दिखाता हूँ भैया आपको पाकिस्तानी कितने टीवी तोड़ते हैं। उन जी बड़ा दुख पहुंचा कि इंडिया को हार गया एशिया कप के, हारन की शिकस्त के, मैं हूँ टीवी देखो अपनी आंखें खोलो। हार का बदला कैसे लिया जाएगा जो पीछे दो? हम हारे कब हैं, हम तो उनको ऐसे ही दिखा रहे थे, मतलब ऐसे ही आपने जगावा दिया है उनको, दिखाया कि हमारी टीम है, जूनियर प्लेयर खेल रहे हैं, इंशाल्लाह ये जूनियर ही नहीं को हराएंगे। ठीक है, मैसेज इंडिया टीम के लिए, उनके लिए, उनको डर पड़ेगा पाकिस्तान टीम, उनको कहें कि थोड़ा हौसला रखें, अभी घबराए नहीं, क्योंकि पहले हुई है, अभी तो हुई है, जैसे कि हमारे कप पे तो नहीं होगी फाइनल पे, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, आप इंडिया को कह रहे हो कि घबराना नहीं है, इंडिया वालों आप सुन लो कि पाकिस्तानी वाम कह रही है घबराना नहीं है। घबराना तो तुम्हारा बनता है भाई, तुम्हारी टीम का कोई भरोसा नहीं होता, कभी तो पहुंचती है ये चांद तक, कभी पहुंच नहीं पाती है शाम तक, तो अपनी टीम के लिए घबराओ भैया। ये पाकिस्तानी एक मैच जीत गए, वो भी एक कमजोर टीम से मैच जीत गए, और उसके बाद ही अपने आप को जैसे वो नहीं होता एक भेड़िया शेर की खाल पहन के अपने आप को शेर समझने लग जाता है, तो ये पाकिस्तानी उसी मानसिकता के अंदर दौड़ रहे हैं अभी, अपने आप को शेर समझ रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा, खेल खेल की भावना से खेला जाता है, एक पक्ष को हारना होता है, एक पक्ष को जीतना होता है, उस दिन जो बेहतर खेलेगा वो जीतेगा। सही बात है, सबके अपने देश के प्रति भावना होती है, लेकिन पाकिस्तानी भावनाओं में कुछ ज्यादा ही भेज जाते हैं और इतना बोल जाते हैं जितना उनको बोलने की जरूरत नहीं होती। बात तो सही है। और ये वीडियो में भी आपने वो ही देखा, अब आपके क्या विचार है, आप बताओ कि भारत फेटा लगाने वाला है पाकिस्तान को किस तरीके से, कितना बुरा तरीके से, वो कमेंट आप अभी से ही कर दीजिए, क्योंकि इन पाकिस्तानियों के बड़बोलापन तो शाम को खत्म हो जाएगा, फिर टीवी टूटते हुए पाकिस्तान में देखेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मिनट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।